ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਨ BSF ਦੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇਰ ਰਾਤ 10:30 ਸਵੇਰੇ 3 ਤੱਕ 5 ਡਰੋਨ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 37 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 12 ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਬੰਬ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਰੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। पूरे इलाके विच BSF अते पुलिस दे जवानां वल्लों सर्च अभियान किया गया। खबर लिखे जाण तक कुछ भी बरामद नहीं होया। पाकिस्तान लगातार ही ऐसियां कोचियां हरकतां नूं अंजाम दे रहा है, पर BSF दे जवानां दी मुस्तैदी कारण यह कोशिश नाकाम कीती जा रही है। रात को ड्रोन आए और ये रास्ता जो गाँव है, यहाँ के लोगों ने भी उसकी आवाज़ सुनी है और उसके कारण ये पूरे इलाके में पुलिस के साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और जो इनकी रेंज है, अभी ये बॉर्डर से ये एरिया तकरीबन 10-12 किलोमीटर तक पीछे है, तो ये चिंता का विषय है। तो लोगों के साथ हम मीटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे और सबको बता रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक का सहयोग इंफॉर्मेशन देने में बहुत बहुत ज़रूरी रहेगा, ताकि जो भी क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जा सके और इस जो गलत कार्य हो रहा है इसको जल्दी से जल्दी रोका जा सके। सर, अभी तक कुछ मिला है कुछ सर्च अभियान के लिए? नहीं, सर्च अभी चल रही है, पूरे इलाके की सर्च जा रही है। पुलिस की और BSF की संयुक्त पार्टी कल रात को 11 बजे से ही पूरे इलाके में तैनात है, पर चूँकि ये इलाका काफ़ी पीछे है 9-10 किलोमीटर, और अभी कंफर्म हो गया है लगभग कि इस इलाके तक लोगों ने आवाज़ सुनी है, जैसा कि रस्ता गांव के लोगों ने बताया। तो अभी से पूरे इलाके की सर्च करी जाएगी, CCTV को चेक करा जाएगा, जो भी हमारे सोर्स हैं उनसे पूछताछ करी जाएगी, जो भी क्रिमिनल पैरोल पे और बेल पे यहाँ पे हैं देखा जाएगा किसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सर, जो सरहदी गाँव के लोग हैं उनको क्या अपील करना चाहते हैं? हम सभी गाँव के लोगों से, पंजाब के सीमावर्ती जो बॉर्डर गाँव के इलाके हैं उनसे हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि वो भी अपने अपने गाँव में विलेज डिफेंस कमेटी बनाएं, चौकीदार रखें, और किसी भी तरह की कोई ड्रोन की आवाज़ सुनाई देती है या संदिग्ध लोगों का मूवमेंट दिखता है रात के समय, तो तुरंत हमारे साथ पुलिस के साथ नंबर शेयर करें, क्योंकि उनका सहयोग इस जो गलत काम हो रहा है, जो जिस तरह से ड्रग्स का जो संभावनाएँ लाए जा रहे हैं या हथियार लाया जा रहा है, उसको रोकने में उनकी मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली अंत में जो ड्रग्स यूज़ होगा वो यहीं के लोगों के खिलाफ होगा, हथियार यूज़ होंगे वो यहीं के लोगों के खिलाफ होंगे। तो हमें बहुत सबके साथ की बहुत ज़रूरत है, और तभी हम इसको जो एक भयका वातावरण बनाया जा रहा है और नशा फैलाने की जो कोशिश करी जा रही है पाकिस्तान के द्वारा नापा कर, उसको हम नाकाम तभी कर सकते हैं जब जन समुदाय का हमको समर्थन मिले। सर, BSF तरफ से 1 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की गई है। हाँ, वो इनाम अभी भी हमने रास्ता और गाँव में बताया कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन देगा।